चार पांच सेंटर पे गए गए एक वहाँ पर से है, जेएमडी हो गया, जेएमडी हो गया, परम हो गया, माँ संतोषी हो गया, वो तीनों में आज एग्जाम नहीं था। द गंगा डिजिटल में आए तो यहाँ पर एग्जाम है। ये जो अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं द गंगा डिजिटल है, ये आसियाना होंडई का जस्ट सामने है, बाईपास पे है, ठीक है ना। अच्छा बताइए किस तरह के गया एग्जाम है। जंक्शन को थोड़ा आगे ले जाइए ना, जंक्शन बढ़ाइए ना उधर जी। अच्छा बताइए कहाँ शर्माते हैं? बहुत लोग हम देखते हैं कैमरा फेस करने में बहुत लोग को दिक्कत होता है। कैसा गया था एग्जाम, कैसा रहा? अच्छा था, मतलब आप खुश हैं ना एग्जाम दिए जो? एग्जाम देके सही है, खुश हैं उसी में। उसके बारे में आगे बताइए, लोग देखेंगे। ये था क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, बट हाँ एक्चुअली ये था कि जो लोग प्रैक्टिकल किए हुए होंगे कंप्यूटर पे उसके लिए बहुत ईजी था। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, कोई थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। एक दो थ्योरेटिकल था, बाकी सारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था। और टाइपिंग भी ज़्यादा टफ नहीं था, वो एक्चुअली एज अ टाइम मैनेजमेंट पे ही था कि स्टूडेंट कैसे टाइम मैनेज करते हैं, उसी पर एक पैराग्राफ था, उसी को बस टाइप करना था। अच्छा तो मैनेजमेंट टाइप का शब्द भी बहुत बार आया होगा? हाँ, लगभग अप्रॉक्स पूरे पैराग्राफ में कम से कम 15 से 20 बार अप्रॉक्स आया है मैनेजमेंट, वो वर्ड एकदम आया है 15। जब आप टाइपिंग सबमिट किए थे तो कितना मैटर दिखाया? उसमें टोटल ये आई थिंक लेटर दिखता है, मेरा टोटल 1470 लेटर था। टाइम से पहले अभी आपको मैटर तो कुछ बच गया होगा? मेरा वो डेढ़ लाइन का मैटर बच गया था और बाकी सारा कुछ सही था। और कीबोर्ड किस कंपनी का था? वैसा ध्यान नहीं दिए, वो याद नहीं हमको है। फिर भी जैसे कि होता है ना कि इस टाइप का कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम बैठने में या सब? नहीं, वैसा कोई इशू नहीं था, सारा कुछ सही था। और हाँ, एग्ज़ाम तीन फॉर्मेट में हुआ। एक पहले ये एमसीक्यू हुआ, सेकंड मॉक टाइपिंग का मॉक हुआ, वो 2 मिनट का हुआ, एक पैराग्राफ छोटा। तो जो टाइपिंग जो मॉक हुआ था वो कैसा था उसका? वो भी अच्छा था, वो 5 लाइन का था और सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब मीडियम साइज़ का था, सिंपल भी नहीं मीडियम था, वो 2 मिनट का हुआ था, लगभग 5 से 6 लाइन का वो मॉक था। और लास्टली वो क्या कहता है टाइपिंग हुआ 10 मिनट का, वो लगभग अप्रॉक्स आपका 15 से 17 लाइन का था। 17 लाइन था जी, बहुत अच्छा। और मतलब किसी तरह के जो जैसे जो लोग प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारा लोग देखते हैं यूट्यूब पे वीडियोस, उनको मतलब जैसे जो एग्ज़ाम देंगे कल परसों, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको यही सजेस्ट करेंगे कि आप टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कीजिए और ये जो मॉक के एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिकल जितना हो एमएस एक्सेल पर, खास करके एक्सेल पर, एक्सेल और पावर पॉइंट पे, दोनों से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आई है। और आप कहाँ से हैं? हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। नालंदा में कहाँ से? बिहार शरीफ। बिहार से। क्या नाम है पहले? नाम चंदन कुमार है। कहाँ से आए हैं? छपरा जिला। अच्छा बताइए किस तरह के गया एग्ज़ाम है? जंक्शन को थोड़ा आगे ले जाइए ना, जंक्शन बढ़ाइए ना उधर जी। चलिए इधर आइए, बताइएगा सर कैसा गया एग्जाम आपका? एग्जाम अच्छा गया। किस टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का रिव्यू बताइएगा? जैसे एमएक्स वर्ड और एक्सेल में से पूछा था। किस कंपनी का कीबोर्ड था? टाटा का। कैसा गया एग्जाम है बताइएगा? अच्छा गया सर। और बताइए उसके क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। अच्छा किस टाइप का क्वेश्चन था, शॉर्टकट किससे था? नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा आपको एमएस वर्ड पावर पॉइंट से। और ये कीबोर्ड कैसा था? कीबोर्ड अच्छा था। किस कंपनी का था कीबोर्ड? लॉजिटेक। किसी भी तरह का जैसे एक सेंटर पे गए थे ना तो वहाँ पर ना कुर्सी दे दिया था बैठने के लिए, यहाँ पर क्या था? नहीं ये तो कुर्सी ही था, मतलब हाइट डेस्क का साइड था ना, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए थैंक यू, और लोगों से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नियाजुद्दीन है। जी जी बताइएगा किस टाइप का क्वेश्चन था, क्या मतलब लोगों का समझ वो आया? प्रैक्टिकल था क्वेश्चन या फिर फंडामेंटल से, एमएस ऑफिस से? क्या था? एमएस ऑफिस से भी था, एक्सेल से था, पावर पॉइंट से था, सब इजी था। और टाइपिंग का मैटर कैसा था? वर्ड वर्ड बड़ा बड़ा जब सबमिट किया था कितना वर्ड आया था? सबमिट किया था तो 1000 वर्ड आया मेरा, 1000 की स्ट्रोक। तो ये कम नहीं है जैसे ऊपर ही था मेरा? अच्छा, ये मतलब एग्जैक्ट आप नहीं देखे थे क्या? एग्जैक्ट हम नहीं देख पाए। अच्छा, और ये मतलब टाइपिंग का कीबोर्ड कौन सा दिया था टाइपिंग करने के लिए? कीबोर्ड जो नॉर्मल जो चलता हुआ। कीबोर्ड कंपनी का नाम याद नहीं है क्या? इसका था, एचपी का था। एचपी का था। अच्छा वो बैठने का में कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं। चलिए थैंक यू, आप बताइएगा सर। आइए बताइएगा किस तरह का गया एग्जाम ये सारा चीज़? सही था, मीडियम क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ भी नहीं था ना, मीडियम था। और बताइए ना कीबोर्ड किस टाइप का था या फिर लोगों को सजेस्ट कर दीजिए? आइए सर, कीबोर्ड अच्छा था, कीबोर्ड अच्छा था, कंफर्टेबल रहा, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई, सेंटर अच्छा है। चलिए किसी तरह का कोई दिक्कत जैसे हाइट को लेकर के मतलब कीबोर्ड या फिर मैटर को लेकर के कोई प्रॉब्लम? सारा व्यवस्था यहाँ का सही था।
अच्छा, जब टाइपिंग करके सबमिट किए थे तो कितना की स्ट्रोक आया था? 1440 आया था। कितना? 1440 1440 आया था। थैंक यू। आपका क्या नाम है? आइएगा इधर आइए। अच्छा, शर्मा रहे हैं, बहुत लोग शर्माते हैं बताने में। अच्छा बताइए, काहे शर्माते हैं? बहुत लोग हम देखते हैं कैमरा फेस करने में बहुत लोग को दिक्कत होता है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बात है, अपना बात बताने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, किस तरह का था कीबोर्ड, कैसा, क्या नाम है आपका? कीबोर्ड एचपी कंपनी का, मेरा नाम शेखर है। सभी एसआरए का कीबोर्ड था क्या? नहीं, एचपी का, एचपी। अच्छा, एचपी था। और कोई कंपनी? नहीं, बस एचपी का ऑल कीबोर्ड था। अच्छा, क्या नाम है आपका? शेखर बताएं। हाँ, शेखर। कहाँ से आए हैं? हम कुरथौल से आए हैं। कुरथौल। अच्छा, तो आपके तरफ तो सेंटर भी गया बहुत सारा। अच्छा, और टाइपिंग का मैटर किस तरह का था या क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया? क्वेश्चन बहुत इजी था, एक्सेल से था और ये पावर पॉइंट से था। एक्सेल और पावर पॉइंट ज़्यादा, मेल मर्ज वगैरह कोई क्वेश्चन याद है? मर्ज वाला कम से कम 5-6 क्वेश्चन था। अच्छा, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जो सब कुछ सही था, ठीक है, वो जो था सिर्फ कीबोर्ड जो था थोड़ा गड़बड़ था। कीबोर्ड आपका गड़बड़ था क्या? किस तरह? इधर आ जाइए थोड़ा, उधर सेंटर ना है, इधर आ जाइए। कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा था। मतलब किस पर स्पेस नहीं थे या सिर्फ बटन काम नहीं कर रहा था? जीरो। तो नंबर भी था टाइपिंग मैटर में क्या? नंबर में था, नंबर में, टाइपिंग मैटर में नंबर में नहीं था। मतलब फिर डालते ना उसमें, मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ डालते ना, जीरो तो आता ही है। ओ, तो फिर जा करके जो है दूसरा बटन सबसे ऊपर में जो की स्टॉक रहता है उसे फिर टाइप किया, तब हुआ। कोई बटन काम नहीं कर रहा था। सिर्फ जीरो, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। अच्छा, और किसी भी तरह का कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक था, अच्छा था। क्वेश्चन याद है क्या? हाँ, क्वेश्चन मेल मर्ज से था, मेल मर्ज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, 6-7 तो था। फंडामेंटल वगैरह? फंडामेंटल से लगभग 1-2 क्वेश्चन होगा, बहुत बस, कुछ नहीं। अच्छा, और ये इंटरनेट से? इंटरनेट से 1 क्वेश्चन था, हाँ 1 ही क्वेश्चन था। अच्छा, और ये टाइपिंग का मैटर सही था? टाइपिंग। अच्छा, कितने देर में आप सबमिट कर दिए? ये तो हम सबमिट कर दिए, क्या कहते हैं, वो 1 मिनट बच ही गया था। 1 मिनट बच गया था? बच गया था। कितना की स्ट्रोक मारे थे जब सबमिट हुआ था? हाँ, तो 1300 कुछ था, 33। 1300 कुछ है? 1333। अब 1 मिनट बच गया 1300 की? नहीं नहीं, वो की स्टॉक में नहीं, वो मैं मतलब रिटर्न में, एमसीक्यू में। नहीं, जैसे आप टाइपिंग मैटर सबमिट किए तो वहाँ पर लास्ट में ना की स्ट्रोक बताता है, तो कितना की स्ट्रोक? तो की स्ट्रोक जो था उसमें ध्यान में नहीं है क्या? 200 299 इनको एग्जैक्ट मतलब ध्यान। अच्छा अच्छा, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जो भी चीज़ें लोग बताए हैं, आप लोग भी दिए हैं क्या एग्ज़ाम? अभी दिए, आइएगा थोड़ा सा इधर बता दीजिए। तो किस टाइप का था, क्या नाम है सर आपका? गौरव कुमार झा। कहाँ से आए हैं? वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। वैशाली से। कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्वेश्चन कैसा था पढ़ के? क्वेश्चन बेसिक था, जो हम लोग बेसिक कंप्यूटर बचपन में पढ़े हैं, 10th से पहले 8th 7th में, वही सब क्वेश्चन था एकदम बेसिक। 10th से पहले वाला तो बहुत बेसिक हो, सब एक्सेल था, वर्ड था, पावर पॉइंट था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, हमारे हिसाब से उसको देखेंगे तो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े थे क्या? नहीं, वो हम लोग जो भी पढ़े अभी बेसिक पढ़े हैं, और बेसिकले जो पढ़े तो वही काम से। हाँ, मेनली वही आ गया है। अभी कुछ नहीं पढ़े आप? नहीं, अभी मेनली कुछ। अच्छा, टाइपिंग किए थे तो उसका क्या एक्सपीरियंस? टाइपिंग थोड़ा सा टफ वर्ड था, टाइपिंग थोड़ा सा टफ रहा है उसका, कुछ एक जो सिलेक्टिव वर्ड्स जो थे ना, वो थोड़ा सा टफ। जैसे कोई वर्ड याद है क्या जो बार बार रिपीट हुआ? हाँ, इफेक्टिव, मेजरमेंट, क्यूरियोसिटी, और भी एक दो वर्ड्स है जो बड़े बड़े वर्ड्स है, यही सब चीज़ें हैं। सही है। और किस कंपनी का था कीबोर्ड? कोई क्राइजन करके कोई कंपनी थी। अभी बहुत सारे लोग एचपी भी बता रहे थे। नहीं, मेरा जो था क्राइजन का था, कीबोर्ड भी था और मॉनिटर भी था, क्राइजन करके था। अच्छा, क्राइजन। हाँ हाँ, मतलब वो कोई ख़राब तो नहीं ना था की वगैरह या फिर सिस्टम में? कोई ख़राबी नहीं थी, सिस्टम बेस्ड था, चल भी रहा था, कीबोर्ड भी प्रॉपर वर्क कर रहा था टाइपिंग में। कोई बैठने के लिए टेबल या क्या हाइट वगैरह? नहीं, चेयर थी जो हाइट सही था ना, कुछ लोग जगह पर ना बहुत ज़्यादा वो जो टेंट वेंट में कुर्सी स्टैंडर्ड साइज था, वो स्टैंडर्ड साइज था, जैसे हम लोग को कम्फर्टेबली हम बैठ पाए। हाँ, कम्फर्टेबल हम लोग हो सकते हैं। चलिए, मतलब किन्हीं तरह के कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग का बढ़िया ही गया है, ठीक है। और किस टाइप का गया एग्ज़ाम, कैसा गया? सही था। और किस तरह का कीबोर्ड था ये सब चीज़? एलिमेंट कीबोर्ड था। एग्ज़ाम अच्छा गया है आपका? हाँ, एग्ज़ाम सही गया। कितना मैटर मारे हैं आप? ध्यान नहीं दिए थे। ये ध्यान नहीं दिए? नहीं, मतलब जो टाइपिंग सबमिट किए हो तो दिखा होगा ना कि स्ट्रोक यहाँ सर इतना? हाँ, ध्यान नहीं दिए थे, सिर्फ मारने में थे। अच्छा, और टाइपिंग वगैरह ये मतलब सॉरी कंप्यूटर वगैरह में कोई दिक्कत प्रॉब्लम कीबोर्ड से? कीबोर्ड क्या था? कीबोर्ड नया था लगा। कौन सा कंपनी का याद है? एलिगेमेशन का क्या था, कैसे करके लिखल था कीबोर्ड का? कंपनी का नाम एलिगेमेशन, मतलब तो क्या चीज़ तो लिखल था, ए से लिखल था कंपनी कीबोर्ड का, जो कंपनी का नाम होता है वो पूछ रहे सर आप? वही पूछ रहे हैं, ध्यान नहीं दिए थे। अच्छा, आप ध्यान नहीं दिए हैं, चलिए अच्छा कोई बात नहीं।
ठीक है, तो और लोग से देख लेते हैं, अगर किन्हीं का कोई, आप लोग में से किन्हीं का अगर सेंटर गया यहाँ पर तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, दिखा दीजिएगा, तो द गंगा डिजिटल नाम है, ठीक है ना, सेंटर का नाम है द गंगा डिजिटल है, ये बाईपास पे है, ठीक है ना। अगर आप बाईपास पे रहते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर से मिल जाएगा, ठीक है ना, किन्हीं को इस सेंटर में किसी भी तरह का। इसमें आपको बता दें कि इसमें टोटल 4 लैब है, ठीक ना, कितने लैब हैं, 4 लैब है इसके अंतर्गत, और 4 लैब में आपको बेहतर है, कीबोर्ड और टाइपिंग सारा चीज़ से बहुत बढ़िया था, किसी भी को कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर और दो, हाँ, कैसा था गया आपका एग्ज़ाम सर? और बताइए किस तरह का क्वेश्चन था, टाइपिंग मैटर, ये सारा चीज़ पे कुछ बात अपना? ठीक ही था, ज़्यादा एक्सेल एमएस पॉइंट इतनी से क्वेश्चन था, एक्सेल से, वर्ड से, पावर पॉइंट से, एमएस वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन। टाइपिंग का कौन सा कीबोर्ड था लगा हुआ? ये तो ध्यान नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए कीबोर्ड का, जैसे होगा ना एचपी था, ये कोई कोई कम स्टूडेंट बता रहे थे, ये कुछ पता नहीं है? ध्यान नहीं दे पाए, नहीं ध्यान है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, हम देख लेते हैं। चलिए सही है, जिन लोग का भी है, आपका एग्ज़ाम दिए हैं क्या, किस कंपनी का कीबोर्ड था पता है, किस कंपनी का कीबोर्ड था लगा हुआ पता है? क्या बोले, मतलब जो टाइपिंग किया तो किस कंपनी का कीबोर्ड था? हमको ने ध्यान नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए सर, आपको पता है, याद है? कीबोर्ड तो वैसी लाती जो जनरल था वही लगा हुआ है। कौन सा? वैसी जो लोकल जनरल रहता है वही है, जैसे होता है प्रो डॉट एच पी एसर, एसर था आपका कलम, एसर लगा हुआ था, जैसे कुछ लोग बता रहे थे एच पी लगा, नहीं नहीं एसर था, एसर था, तो कीबोर्ड में से कोई शिकायत किसी तरह नहीं, कीबोर्ड से कोई, क्योंकि देखिए ये बात पूछने के पीछे रीजन है, और लोग का भी सेंटर है ताकि उनको मिल जाए, ये हिंट मिल जाए, और उनको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो बार बताया गया था उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग मतलब बताया कि बहुत हार्ड होता है, हाँ, इस टाइप का, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन मैच कर रहा था क्या? क्वेश्चन मैच नहीं, नहीं नहीं, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, वो अलग था, क्वेश्चन ही अलग था। तो आप प्रैक्टिकल पहले पढ़े होंगे ना सर? सर पढ़े तो हैं, जो पढ़े थे उस तो आया था तुम्हारे, बाकी जो और कितना मैटर सबमिट किए थे पूरा, जब सबमिट हुआ कितना किया स्ट्रोक, क्या क्या सबमिट, मतलब जब मैटर सबमिट किए थे तो कितना आया था, किया स्ट्रोक कितना दिखाया था टाइपिंग का? हाँ, ये 268 था, 268 नहीं होगा, 1200 कुछ होगा, नहीं नहीं 200 नहीं, फर्स्ट में था 163। अच्छा फर्स्ट में, एग्जैक्ट मतलब याद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मतलब ये पता चला है कि इसमें एचपी का भी कीबोर्ड है, एसर का भी है, और एक और कोई कंपनी का नाम बता रहे थे, वो नाम एकदम अनसुना है, नहीं लॉगिटेक नहीं था, कोई दूसरा कंपनी कोई था, कोई अनसुना कंपनी था, कोई ऐसा मतलब नया टाइप का नाम था, मेरे लिए भी नया नाम था। तो चलिए आज के वीडियो में कह लीजिए कितना ही है, आपका जो अगर कुछ रिव्यू रहे तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको हमको रिव्यू दे सकते हैं, जिससे लोगों को पता चलेगा। और आज हम 4-5 सेंटर पे गए हैं, एक वहाँ पर से है, क्या नाम था सेंटर का, JRD हो गया, नहीं JMD हो गया, JMD हो गया, परम हो गया, माँ संतोषी हो गया, वो तीनों में आज एग्ज़ाम नहीं था, द गंगा डिजिटल में आए तो यहाँ पर एग्ज़ाम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।